ऑल ऑफ यू, आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण पढ़ने से पहले मैं संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बता देना चाहती हूँ। संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे घर, मकान, गाय, भैंस। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण पढ़ने से पहले मैं एक अनुच्छेद को पढ़ रही हूँ। रवि का 10वां जन्मदिन है, उसने सुंदर फ्रॉक पहनी हुई है, उसकी माताजी ने जन्मदिन के लिए बड़ा केक बनाया है, उसकी सहेलियों ने मधुर गीत गाए, उसके पिताजी मीठे रसगुल्ले लाए, उसकी बुआ उसके लिए जापानी गुड़िया लाई, पल्लवी ने सभी को केक के छोटे छोटे टुकड़े दिए। इस अनुच्छेद में यहाँ पर है दसवां। कितना जन्मदिन है पल्लवी का? 10वां, यानी 10th बर्थडे। उसने सुंदर फ्रॉक पहनी है। कैसी फ्रॉक है? सुंदर। केक कैसा है? बड़ा है। गीत कैसा गाया गया? मधुर यानी मीठे स्वर में। रसगुल्ला का स्वाद कैसा है? मीठा। उसकी बुआ ने उसे क्या दिया? जापानी गुड़िया। केक को कैसा काटा गया? छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी ये सभी, जैसे 10वां, सुंदर, बड़ा, मधुर, जापानी और छोटे छोटे, ये सारे के सारे संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, तथा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, इन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि ऊपर के अनुच्छेद से जन्मदिन संज्ञा है। जन्मदिन कितना जन्मदिन है? 10वां, यानी जन्मदिन की विशेषता है 10वां। फ्रॉक कैसा है? सुंदर, ये संज्ञा है और इसकी विशेषता सुंदर है, ये हुआ विशेषण और ये विशेष्य। केक संज्ञा है और इसकी विशेषता है बड़ा। गीत कैसा है? मधुर है। गुड़िया कैसी है? जापानी है। रसगुल्ला कैसा है? मीठा, यानी इसकी विशेषता ये है और इसे विशेषण कहते हैं, और जितने भी संज्ञा शब्द है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द या तो गुण होता है, उसका दोष यानी उसकी जो खामियां हैं वो होती है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी दशा कैसी है, वो अमीर है, गरीब है, आकार कैसा है, तिकोना है, चौकोर है, रंग कैसा है, लाल, पीला, इन सारी चीज़ों की जो विशेषता बताता है वह है गुणवाचक विशेषण। उदाहरण, पहला है वह सुंदर लड़की है। लड़की कैसी है? सुंदर, ये लड़की का गुण है, इससे इसे गुणबोधक यानी गुणवाचक विशेषण कहलाता है, ये गुण को बताता है। दूसरा है रावण दुष्ट राजा था। कैसा राजा था? दुष्ट यानी अत्याचारी, खराब राजा था, और ये उसका दोष है। सीता शांत लड़की है, उसका स्वभाव है, सीता का स्वभाव है शांत, इसलिए यह शब्द स्वभाव को बताता है। गीली कमीज सुखा दो, कमीज कैसी है? गीली है, वह उसकी दशा है, तो गीली कमीज सुखा दो यानी ये गीली जो शब्द है वो दशा बोधक शब्द है। लंबा पेड़ झुक गया, पेड़ का आकार कैसा है? वो लंबा है, इसलिए आकार बोधक शब्द हुआ। उसने लाल फ्रॉक पहन रखी है, फ्रॉक का रंग कैसा है? लाल, ये रंग बोधक है। तो गुणवाचक विशेषण में ये सारी जो चीजें आएंगी वह गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। दूसरा आ जाते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं
वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या यानी जिसकी गिनती हो सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे मेरे हाथ में एक रिमोट है, इसकी हम गिनती कर सकते हैं, इसे गिन सकते हैं, तो जिसकी गिनती हो सकती है वह है संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण, पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर कितने पक्षी हैं? दो। पक्षियों की गिनती की जा सकती है, इसे गिना जा सकता है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बाहर में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की संख्या हम गिन सकते हैं, लेकिन मैंने उसे गिना नहीं है, इसलिए ये कुछ जो है यह भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आ जाओ पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। निश्चित संख्यावाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का पता चलता है, जैसे दो घोड़े, दस आम आदि, जिसके बारे में मुझे पता चल जाता है, हम लोग जानते हैं कि इसकी संख्या कितनी है। मेरे हाथ में एक रिमोट है, एक ये जो गिनती हो रही है, इसे हम गिन रहे हैं। इसी प्रकार दो घोड़े, घोड़ों की संख्या दो है, आम दस आम है, कुल मिलाकर दस आम है, आमों की संख्या हम गिन सकते हैं, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण, हमें पता है कि ये संख्या कितनी है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे कुछ सैनिक, हजारों व्यक्ति आदि। यहाँ पर हम गिन सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसकी गिनती में कितनी है। जैसे कुछ सैनिक, सैनिक है बाहर में, कितने सैनिक है पता नहीं है, गिन सकते हैं लेकिन हमने उसे गिना नहीं है। कुछ, ये कुछ हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हजारों व्यक्ति, जैसे पूजा आता है कोई पर्व त्योहार में, हजारों की संख्या में व्यक्ति बाहर में घूमते नजर आते हैं, तो ये हजारों जो है वो व्यक्तियों को गिना जा सकता है, लेकिन हमने उसे गिना नहीं है, वो अनिश्चित है, इसलिए इसे कहा गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु की नाप या तौल का पता चलता है। जैसे बाजार हम लोग जाते हैं, बाजार में बोलते हैं 5 किलो आलू दो, वो बाजार में दुकान वाला क्या करता है, तराजू में 5 किलो आलू तौल कर देता है। तो ये तौलने वाली चीज, कपड़ा है मापने वाली चीज, इन सारी चीजों से पता चलता है वह परिमाणवाचक विशेषण। सरला बाजार गई और 2 मीटर कपड़ा लाई है, उसने बाजार में दुकानदार से 2 मीटर माप करवाया और कपड़ा खरीदे। मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, हमें थोड़ी सी चीनी चाहिए, हम चीनी को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए उसे हम लोग मापते हैं, तौलते हैं, तो थोड़ी यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु के निश्चित मात्रा का पता चलता है, जैसे 3 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध आदि। इससे भी निश्चित का अर्थ होता है कि हमें निश्चित तौर से पता है कि उसकी माप कितनी है। यहाँ पर 3 मीटर कपड़ा पता है, उसकी माप कितनी है, 10 लीटर दूध यह भी पता है, इसलिए कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, जैसे थोड़ी मिठाई, अधिक खाना आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक से उसके बारे में हमें पता नहीं होता है, जैसे कपड़ा का थान है, बहुत सारा कपड़ा है, उसमें कितना मीटर है हमें नहीं मालूम, तो वो अनिश्चित हो जाएगा। यहाँ पर मिठाई, थोड़ी सी मिठाई मुझे दिख रही है, लेकिन ये थोड़ी सी मिठाई, इसे अगर हम बाजार में जाते हैं तो वो उसे माफ करके देता है, तौल करके देता है, इसलिए यह हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अधिक खाना, खाना है उसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, चावल भात है, भात को के गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं,
अधिक खाना, यह है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह घर हमारा है, कोई लड़का दरवाजे के पास खड़ा है। यहाँ पर क्या है, विशेषण शब्द जो है उसकी विशेषता बताने वाला, संज्ञा की जो विशेषता बताने वाले शब्द है वह है सर्वनाम शब्द। यह घर हमारा है, सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द होता है। जैसे यहाँ पे संज्ञा घर है, इसके पहले सर्वनाम शब्द यह है, और ये जो यह है वह घर की विशेषता बता रहा है। यह घर हमारा, ये जो घर है वो हमारा है, ये घर की विशेषता है। कोई लड़का दरवाजे के पास खड़ा है, बाहर में कोई खड़ा है, पता है कि कोई खड़ा है। ये जो कोई है वो भी सर्वनाम शब्द है, और ये सर्वनाम शब्द लड़का का विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे सर्वनाम शब्द के होने के कारण इसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार विशेषण, इसके चार भेद, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद है ये चारों विशेषण शब्द के बारे में तुम लोग जान चुके होगे। अब है निश्चय वाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। निश्चय वाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? निश्चय वाचक में भी यह शब्द आता है, सार्वनामिक में भी यह शब्द आता है, तो दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा इसके बारे में। निश्चय वाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि की निश्चितता को बताता है कि ये निश्चित है। सर्वनाम शब्द से हमें पता चलता है कि वह निश्चित है। यह मोहन की पुस्तक है, मोहन है, मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि जो पुस्तक सामने रखी हुई है वह मोहन की है, तो यह जो शब्द है वह निश्चितता बता रहा है कि यह निश्चय है कि निश्चित रूप से यह मोहन की ही किताब है। इसके बाद दूसरा उदाहरण में आ जाओ, वह शीला का घर है, वह जो सामने में घर दिख रहा है वह शीला का घर है। ये जो शीला का घर बताया जा रहा है वह निश्चित रूप से, वह जो शब्द है वह निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि वह शीला का है, इसलिए यह निश्चय वाचक सर्वनाम हुआ। सार्वनामिक विशेषण से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता का पता चलता है। यह पता चलता है कि यह जो शब्द चीज है वह सर्वनाम है। जैसे यह पुस्तक मोहन की है, मेरे हाथ में ये जो पुस्तक है यह पुस्तक मोहन की है, यह पुस्तक की विशेषता है, पुस्तक की विशेषता है कि यह, तो यह पुस्तक मोहन की है। दूसरा है, वह घर शीला का है, वह जो घर है वो शीला का है। यहाँ पे वह घर जो है वह दिखाया जा रहा है, वह घर की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। अब क्या होता है कि संज्ञा शब्दों से, क्रिया शब्दों से भी विशेषण को बनाया जाता है। संज्ञा शब्दों से भी विशेषी शब्दों का निर्माण किया जाता है, उसे हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसे हम लोग देखेंगे। पाप, पापी, कभी कभी प्रत्यय शब्दों को लगाकर, प्रत्यय यानी वह शब्दांश जिसे किसी शब्द के अंत में लगाया जाता है और उसके अर्थ में अंतर हो जाता है तो उसे कहते हैं प्रत्यय। यहाँ पर पाप में ई की प्रत्यय लगाया गया है और यह बन गया पापी। यह संज्ञा शब्द है और यह है विशेषण शब्द। पाप, पापी, भारत, भारतीय, सुख, सुखी, इतिहास, ऐतिहासिक, इतिहास का ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, दया, दयालु, गुण, गुणी, ग्राम, ग्रामीण, नमक, नमकीन। इस तरह कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर जिन संज्ञा शब्दों से हम लोग विशेषण बनाना सीखें। इस प्रकार आप लोग विशेषण और उनके भेदों को सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। थैंक यू।